हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रवा उपमा। रवा उपमा खाइए, अपने अनुभव शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए। नमस्कार। हरे मटर, हरी मिर्च, प्याज, उड़द की दाल, भुना हुआ पीनट शेंगदाने और ये भुना हुआ मोटा सूजी और हरा धनिया। और हमने ये सूजी को घी डाल के अच्छे से भुना है, लेकिन ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, लो फ्लेम पे ही भुना है, लगभग 5 से 7 मिनट तक। और हम पानी को गर्म कर रहे हैं उपमा बनाने के लिए। अब एक दूसरे बर्तन में पानी को निकाल लेंगे। उपमा बनाने के लिए आप तेल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं घी में बना रही हूँ, इसलिए मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, वैसा कुछ नहीं। मैंने अभी फ्लेम हायर रखी थी घी गर्म होने के लिए। ये मस्टर्ड सीड्स है, हम घी गर्म होने के बाद इसमें मस्टर्ड सीड डालेंगे। मस्टर्ड सीड्स क्रैक होने के बाद हम उसमें उड़द की दाल डालेंगे और फ्लेम लो कर देंगे। फिर उसमें प्याज, चलाते हुए लो फ्लेम पे प्याज थोड़ा सा पिंक होने तक भून लेंगे। अब हमारा प्याज पिंक हो गया है, ये प्याज ऐसे पिंक हुआ है, ट्रांसपेरेंट। अब इसमें हरे मटर और ये मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च। पहले तो हम हरे मटर डालेंगे, बाद में ये हरी मिर्च डालेंगे। चलाते हुए लो फ्लेम पे ये जब तक भून ना जाए तब तक चलाते रहेंगे। फ्लेम हाई कर दिया है हमने, हमारे ये मटर और हरी मिर्च भून चुकी है, ज़्यादा भूनने की नहीं हमें। और इसमें ये पीनट डालेंगे। पीनट तो वैसे भुने हुए हैं, हमने पीनट के छिलके भी निकाले थे, तो हम ये गर्म पानी ऐड करेंगे इसमें। ये हमने सूजी हमारी 1.5 कप है, इसीलिए हमने पानी 3 कप लिया है। लगभग उस हिसाब से लेंगे, अगर सूजी 1 कप हुई तो पानी 2 कप चाहिए, उस मेजरमेंट ऐसा ही रखे आप। हम 3 लोगों के लिए बना रहे हैं, इसीलिए हमने 1.5 कप सूजी लिए है और 3 कप पानी डाला है। को थोड़ा सा कम किया था हमने, अभी हाई करेंगे। और इसमें अब हम हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, 1/2 चम्मच हल्दी। एक चम्मच सॉल्ट डालेंगे, आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालें कम ज्यादा। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा गार्निश के लिए रख देंगे, बाद में डालेंगे। और अब हम ये सूजी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये मोटा वाला सूजी है, इसलिए गुठलियां नहीं होती। और सूजी का मेजरमेंट सही रहा तो आपका ये उपमा खिला खिला हो जाएगा, नहीं तो वो चिपकू चिपकू होता है, तो अच्छा नहीं लगता खाने को। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है,
अच्छे से मिला के हम इसे लो फ्लेम पे पकाने के लिए 2-4 मिनट छोड़ देंगे। अब ये बर्तन उठा के रखेंगे हम और देखो हमारा उपमा एकदम खिला खिला हो गया है। देखो अब हम परोसेंगे। अब हमारा उपमा रेडी हो गया है। हरे धनिया से गार्निश करके प्याज के साथ हम इसे परोसेंगे।